हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस क्लास के अंदर माइटोटिक इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे। माइटोटिक इंडेक्स का मतलब होता है, यदि आपके पास कोई सेल्स का सैंपल है, किसी सैंपल के अंदर माना कि 1000 सेल्स हैं, उन सेल में से कितनी सेल्स माइटोसिस कर रही है, मतलब सेल डिवीजन के अंदर हैं, और कितनी सेल्स इंटरफेज में हैं, उन दोनों का जो रेशियो होता है उस रेशियो को हम माइटोटिक इंडेक्स कहते हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन होगी, द रेशियो बिटवीन सेल्स अंडरगोइंग द माइटोसिस एंड टोटल नंबर ऑफ सेल्स इन द पॉपुलेशन। जैसे आपको कोई सैंपल दिया है, इस सैंपल के अंदर माना कि 1000 सेल्स है, सेल्स हैं, इन सेल के अंदर 50 सेल्स जो हैं वो माइटोसिस कर रही है, मतलब कोई सेल प्रोफेज में है, तो कोई मेटाफेज में, कोई एनाफेज में, कोई टेलोफेज में है, इनके अंदर माइटोसिस चल रहा है। और 950 सेल्स में माना वह इंटरफेज में है, मतलब उनके अंदर सेल डिवीजन नहीं चल रहा है। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वो माइटोटिक इंडेक्स होगा। सिंपल सी डेफिनेशन है, एम आई इक्वल टू प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। इन स्टेज के अंदर कौन कौन कितनी सेल्स हैं और टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितनी है आपके पास। तो यहाँ इस एग्जांपल से आपके पास टोटल नंबर ऑफ सेल्स है 1000 और प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, मतलब माइटोसिस के अंदर सेल्स हैं 50। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वह माइटोटिक इंडेक्स कहलाता है। इसको हम 100 से इंटू करते हैं तो यह आपको परसेंटेज मिल जाते हैं कितनी सेल्स डिवीजन कर रही है। माइटोटिक इंडेक्स की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा डिवाइडिंग सेल्स होती हैं कैंसर सेल्स, या ट्यूमर सेल्स। कैंसर सेल की माइटोटिक इंडेक्स सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि सेल्स सबसे ज़्यादा डिवीजन करती हैं, कैंसर सेल की सबसे ज़्यादा है, और उससे कम मतलब स्किन की, सॉरी स्किन की नहीं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की, ट्रैक्ट और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इनकी सेल्स के अंदर कैंसर सेल से कम डिवीजन की कैपेसिटी होती है। थर्ड आता स्किन, और स्किन के बाद में सबसे कम माइटोटिक इंडेक्स होती, सबसे लोवेस्ट होती हैं न्यूरॉन्स की। न्यूरॉन्स में डिवीजन होता नहीं है, मसल्स, तो इनके अंदर सबसे कम डिवीजन की कैपेसिटी होती है मसल्स के फाइबर्स में। इसके उससे ज़्यादा होती है स्किन में, स्किन से ज़्यादा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के सेल्स के अंदर। कैंसर सेल्स एंड मीजोडर्मल हीमोपोइटिक एडल्ट स्टेम सेल्स, जो बोन मैरो स्टेम सेल्स होती है, उनके अंदर भी माइटोटिक इंडेक्स उनकी भी ज़्यादा होती हैं। यह माइटोटिक इंडेक्स था। अब मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, उसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ये होता है, द इंट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एंड द मीडियम थ्रू विच इट पास्ड। मतलब ये हुआ कि जो लाइट है वह लाइट जब ट्रेवल करती हैं तो जिस मीडियम में ट्रेवल करती हैं उस मीडियम और उस लाइट के बीच की जो इंट्रैक्शंस होती हैं उसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती हैं ग्लास की, कांच की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है 1.51 और वाटर की होती है 1.33। ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होती है, मतलब सबसे ज़्यादा पारदर्शी होता है, पारदर्शी के साथ साथ लाइट को ट्रेवल करने की जो उसके अंदर जो डिस्टर्बेंस होता है वो सबसे कम देता है ग्लास। ग्लास के अलावा कनाडा बालसम जो होता है उसकी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए माउंटिंग एजेंट के रूप में कनाडा बालसम को यूज़ किया जाता है क्योंकि उसकी पारदर्शिता सबसे ज़्यादा होती है, लाइट को ट्रेवल होने में डिस्टर्बेंस सबसे कम करेगा यह कनाडा बालसम। DPX भी एक माउंटिंग एजेंट है तो DPX की भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होती है। यहाँ पर ग्लास की माना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.51 है तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइट ट्रेवल 1.51 टाइम्स स्लोअर देन लाइट ट्रेवल इन वैक्यूम। वैक्यूम के अंदर जब लाइट ट्रेवल करती हैं तो यहां पर ग्लास से जब ट्रेवल करेगी जो लाइट है वह लाइट 1.51 गुना धीरे या कह सकते हैं धीमी गति से कांच के अंदर ट्रेवल करेगी। तो वैक्यूम के अंदर सबसे ज़्यादा ट्रेवल करती है, स्पीड सबसे ज़्यादा होती है लाइट की, और यहाँ पर ग्लास के अंदर 1.51 गुना कम होती हैं ग्लास के अंदर। इसके बाद में एक और इंडेक्स वर्ड और यूज होता है, उसको कहते हैं लेवलिंग इंडेक्स। लेवलिंग इंडेक्स का मतलब होता है कि माना कि आपके पास ये सैंपल है और सैंपल के अंदर 1000 सेल्स हैं, उन सेल्स के अंदर सैंपल के अंदर आपने एक स्टेन डाल दिया, उसका नाम है 7-aminoactinomycin। ये आपने सैंपल के अंदर डाला आपने, तो कितनी सेल्स के अंदर 7-aminoactinomycin होगा, तो उनका रेशियो टोटल नंबर ऑफ रेशियो बिटवीन लेबल्ड सेल्स एंड टोटल नंबर ऑफ सेल्स, तो यहाँ आपने 7-aminoactinomycin डाला तो 1000 सेल्स में से माना कि 50 सेल्स के अंदर 7-aminoactinomycin था और 950 के अंदर नहीं है, मतलब कि उनके अंदर 7AA एब्सेंट था। तो लेबलिंग इंडेक्स का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ सेल्स के पास आपको पता है कि माना सैंपल के अंदर 1000 है तो 1000, और कितनी सेल्स लेबल्ड हो चुकी हैं तो नंबर ऑफ लेबल्ड सेल्स, इसका जो रेशियो होगा उसको लेबलिंग इंडेक्स कहते हैं।